प्रिय दोस्तों, एक भारत का महान सपूत अटल बिहारी वाजपेयी, आज उनका जन्म दिवस है और मेरा सौभाग्य था कि एक दिन जब मैं दिल्ली की गलियों में घूम रहा था तो उनका निवास स्थान मेरे समक्ष प्रस्तुत था और मैं परम आदरणीय महान देशभक्त, राष्ट्र के नव निर्माता प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुलाकात की थी और उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए हम और वो दोनों, क्योंकि हम दोनों देशभक्त हैं। आप थोड़ा चिंतित हो जाएंगे कि योगी वीरेंद्र योगी क्यों अपने को देशभक्त बोलते हैं, क्योंकि देशभक्ति किसी की बहुपति संपत्ति नहीं है, जो देशभक्त है वो देशभक्त है। हम स्वामी विवेकानंद के शिष्य हैं और हम आजाद हैं। हमारी धड़कनों में आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता है। हम देशभक्त इसलिए हैं कि हम अब भारत के हर नागरिक को अपना परिवार का सदस्य समझते हैं और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जितने भी महान देशभक्त हैं एक साथ मिलके अपने हर भाई और बहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसीलिए हम देशभक्त हैं। हम देशभक्त इसीलिए हैं कि हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं हो, सारे लोग मिलजुल के जिए और सारी सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाएं। हमारा देश विशाल है, इसमें हर जाति धर्म के लोग बसते हैं। हम सबको गले लगाएं, प्रेम करें और कभी भी नफरत नाराजगी को अपने दिल के तख्त पर नहीं लाएं। अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व्यक्ति थे। वो बिल्कुल राजधर्म में विश्वास करते थे। उनके नज़र में कोई जाति धर्म, कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति अपना ही था। इसीलिए उनके व्यक्तित्व से मैं इतना प्रभावित हुआ कि परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैंने मुलाकात की थी और उनको मैंने कहा था, वो सवाल किए कि योगी वीरेंद्र योगी, आपको तो किसी स्वार्थ की तलाश नहीं थी, फिर भी आप मुझसे मिलने क्यों आए। तो मैंने उनको जवाब दिया था उनके सवाल का, उनके प्रश्न का, कि मैं एक कर्मवीर देशभक्त हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है, भारत का नवनिर्माण। हर भारतवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना और उनके जीवन में रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं हो। वो ज्ञानी हो, वो विद्वान हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, कभी कोई यहाँ नफरत नाराजगी का वातावरण नहीं हो, कभी कोई जातिवाद नहीं हो, संप्रदायवाद नहीं हो। और इसकी स्थापना के लिए हमको विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रश्न हुए और हमें गले से लगाए, हम उनका चरण स्पर्श किया। प्रिय दोस्तों, आज हम सारे देशभक्त गौरवान्वित हो रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि को एक संदेश मानते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमें एक आजाद समृद्ध राष्ट्र के नव निर्माण करना है। जय हिंद वीरेंद्र योगी। मैं महापुरुष हूं, मैं आजाद हूं, हम देशभक्त हैं, ये कल्पना हम सबों को करनी है। ये किसी की बपोती संपत्ति नहीं है। हमें फिर से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभानी है, बाल बाल पाल की भूमिका निभानी है, तिलक की भूमिका निभानी है, अटल बिहारी वाजपेयी की भावना निभानी है। और मैं देशवासियों से संदेश देता हूं, सब मानता हूं कि हमारे देशवासी उतने ज्ञानी नहीं है कि निर्णय कर सकें कि हमारे देश को एक समृद्ध बनाने वाला कौन व्यक्ति है। बट याद रखो, अगर मालूम नहीं है तो पता कर लो और बिल्कुल उसी व्यक्ति को वोट देके अपना
प्रशासक बनाओ जो तुम्हारी सेवा कर सके। चंद 500 रुपए और एक लीटर बोतल पर मत बिकना। दुर्भाग्य है ये बिकेंगे और हो सकता है कि फिर उन भ्रष्टाचारियों को गद्दी पर बैठाएंगे, क्योंकि इनको पता नहीं है देश की आवश्यकता है देशभक्तों की, वीरेंद्र योगी के, नरेंद्र मोदी के, अटल बिहारी वाजपेयी के। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। धन्यवाद।